हम लोग देखते हैं आज दो ही खेमे, एक खेमा जो मोदी जी के साथ है और दूसरा खेमा जो मोदी जी के साथ नहीं है, चाहे उसको इंडिया अलायंस कह लीजिए, कुछ और कह लीजिए, लेकिन इनकी फितरत क्या है? ये आज भी इनकी फितरत है कि आज भी ये तुष्टीकरण के भरोसे राजनीति करना चाहते हैं। ये लोग केवल एक समुदाय विशिष्ट को दुख न हो इसलिए 22 जनवरी को जब दुनिया पूरी हमारी ओर देखती है और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जब अयोध्या में होती है तो कांग्रेस के लोग उसके ऊपर बहिष्कार डालते हैं, 500 साल बाद जो हमारा कलंक मिटा है, उस 500 साल के बाद उस कलंक को मिटाने का जो काम, एक सांस्कृतिक पुनरुत्थान जो मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, कांग्रेसियों को उस पर भी बहिष्कार डालने की इच्छा होती है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये चाहते क्या है। और हम तो देख रहे हैं इनकी फितरत क्या है। ये खरगे जी के बेटे प्रियांक खरगे जो कहते हैं कि जो हमारा हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, ये किसी जहर की तरह है, ये किसी रोग की तरह है, ये किसी डिसीज की तरह है। इस प्रकार की अगर इनकी मानसिकता होगी, केवल तुष्टिकरण, केवल अपीजमेंट इस प्रकार से, और हम लोग तो यहां देख रहे हैं जिस प्रकार से देश विरोधी कार्रवाई करने वाले लोगों को जेल से छोड़ दिया जा रहा है, जिस प्रकार से कवर अप किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि अब एक डिफाइनिंग हम लोगों को बैटल लड़नी पड़ेगी। कौन देश के साथ है और कौन देश के साथ नहीं है, इसका फैसला हमको करना पड़ेगा।